हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। आप ये ट्राउज़र के बॉटम में भी बना सकते हैं और स्लीव भी बना सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली है। और इस पर मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। अब इसमें पिनटक्स डालेंगे, तो आधा या 1.25 इंच की दूरी लेकर हम पिनटक्स डालेंगे। तो देखिए, एक पिन टक्स मैंने डाल दिया है। अब इसी तरीके से हम 1.25 इंच की दूरी लेकर और सभी पिन टक्स डाल लेंगे। तो मैं एक दो ले कर दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ पिन टक्स लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, हमारे सभी पिन टक्स तैयार हो चुके हैं। अब इस पर हम प्रेस कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में कर और बैक साइड से भी प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया है पैटर्न को। अब ये एक पट्टी ली है मैंने, इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबी जितना हमारा पैटर्न है उतना लिया है। और अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप जितना हमने पैटर्न लिया है उसी के बराबर का फैब्रिक लें और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और मैं इसमें एक टॉप सीम लगा रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक बड़ा है तो आप टॉप सीम नहीं लगाइए, प्रेस करके उसको पीछे से दोनों, ये देखिए जैसे मैंने ये फोल्ड कर लिया इस तरीके से बराबर करके। अब मैं इसमें तुरपाई कर रही हूँ, मैंने इसमें तुरपाई करके रख दिया है। अब मैंने पेपर पेस्टिंग का एक पेपर लिया है और इसकी लंबाई मैंने 5.5 ली है और चौड़ाई उतनी 17 इंच ली है। अब इन दोनों को मैंने फोल्ड कर लिया सेंटर से। अब 1 इंच पे निशान लगा लिया। अब स्केल को लेंगे और दूसरे कोने पे रखेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। स्केल के दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों पर हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, पैटर्न हमारा खुल के इस तरीके से आएगा। अब इसको पेपर को फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए पूरी सिलाई लग चुकी है। अब इसको कोने से पकड़ेंगे इस तरीके से, बिल्कुल जैसे हम नेक के लिए फोल्ड करते हैं, और सेंटर निकाल लेंगे और एक कट का निशान लगा लेंगे। अब अपना ट्राउज़र या स्लीव जो भी बना रहे हैं उसके सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, पैटर्न और स्लीव या ट्राउज़र का सेंटर मिलाकर रखना है और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और कोने में हम कट का निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से हम तुरपाई कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मैंने तुरपाई कर लिया और अच्छे से फैब्रिक को प्रेस कर लिया है। अब हम पैटर्न लेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे सेंटर में और इस तरीके से ट्राउज़र या स्लीव के पैटर्न को रखेंगे और पेंसिल से निशान लगा लेंगे। देखिए, मैंने पेंसिल से निशान लगा लिए हैं। अभी मैंने 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं और स्क्वायर पीस लिए हैं। तो ये मैंने 3.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा लिया है और छोटा वाला येलो मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा लिया है। अब हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले को भी, और इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल मिलाकर और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे पैटर्न बना लिए हैं। और ये देखिए, जो हमने निशान लगाया था उससे हम निशान से 0.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से जो हमने ट्राइंगल बनाए थे ट्राइंगल को लगाएंगे। ये देखिए, ओपन साइड हमने नीचे की साइड रखी है, बंद वाली साइड ऊपर की साइड रखी है। ये बनने के बाद आपने देखा ही है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, दूसरी साइड भी हमने ट्राइंगल लगा लिए हैं।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। अब जो भी हमने ट्राउज़र या स्लीव जो भी बना रहे हैं उसको इस तरीके से रखेंगे और एक टॉप सीम लगाएंगे। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है हमारे ऊपर। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर लगाया है। अभी देखिए इस तरीके से हम इस डिज़ाइन को पत्ती जैसा आकार देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसी डिज़ाइन को हम और भी सुंदर बनाने के लिए इसमें हम छोटे छोटे मोती लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम टांका लगाएंगे। ये हमने एक मोती ले लिया है और दो तीन टांके हमने लगा लिए और इसी तरीके से हमने पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।